टुडे वी विल स्टडी अबाउट फूड वी गेट फ्रॉम प्लांट. आज हम पढ़ेंगे फूड जो हम प्लांट्स के थ्रू पाते हैं. यू कैन सी डिफरेंट फूड ओवर हियर. ऑलमोस्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आर यूज्ड एज फूड इन सम वे और द अदर. हम देख सकते हैं कि चाहे वो कोई भी पार्ट्स ऑफ प्लांट हो, वो फूड्स के काम में आता है इन सम वे और द अदर. चाहे वो हम फूड के काम में देखें या अदर यूज में भी हम देख सकते हैं. वी विल लर्न अबाउट सम हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज, क्लिम्बर, क्रीप्स एंड देयर एग्जाम्पल्स, प्लांट्स पार्ट्स यूज्ड फॉर एज फूड, अदर थिंग्स दैट प्लांट्स प्रोड्यूस. रिवाइंड. You can see different pictures over here. You have to tick these pictures which you get it from plants. आपको यहाँ पे टिक करना है उन pictures को जो आप plants से पाते हैं, food items. Okay? जैसे wheat आप plants के through पाते हैं. Then milk आप cow के through पाते हैं, plants के through नहीं पाते हैं. That's why I have not ticked over here. Third, यहाँ पर जो आपको ग्रीन लीव्स दिख रही हैं, दैट ऑल्सो यू आर गेटिंग फ्रॉम प्लांट. फ्रूट्स ऑल्सो यू आर गेटिंग फ्रॉम प्लांट. प्लांट विच ग्रोज अप एंड कन्वर्टेड इन टू ट्री, यू गेट इट फ्रॉम प्लांट. देन फिश, यू गेट इट फ्रॉम फिश. सो आई हैव नॉट टेक्ड ओवर हियर. देन जैम, यू गेट इट फ्रॉम प्लांट. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. ओवर हियर यू कैन सी grass, mint, coriander and carrot. Let's see. We have read the previous chapter that plants make their own foods in the leaves. अभी हमने previous chapter में पढ़ा जो plants होते हैं वो अपने foods खुद बनाते हैं leaves में, leaves के through. This food is used by them for their growth as well as by us. ये food जो होता है वो use होता है plants की growth के लिए और हम लोग के लिए भी. Plants also give out oxygen which is essential for life. Plants हमें oxygen देता है जो हमारी life के लिए essential है. There are many types of plants around us. We can divide plants into the following types. बहुत से plants है जो हमारे इर्द गिर्द पाए जाते हैं और प्लांट्स कुछ डिवाइडेड हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं. जैसे हर्ब्स, प्लांट्स विच आर स्मॉल एंड हैव सॉफ्ट ग्रीन स्टीम आर कॉल्ड हर्ब्स. प्लांट्स जो स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं और सॉफ्ट होते हैं और जिनकी ग्रीन स्टीम होती है, जिनकी लकड़ियाँ ग्रीन होती है, दैट इज हर्ब्स. एग्जाम्पल जैसे ग्रास, मिंट, कैरेट, स्पिनच एंड कोरिएंडर. जैसे ये सब हम देख सकते हैं, कैरेट को हम देख सकते हैं, कोरिएंडर को देख सकते हैं, ग्रास एंड मिंट. दीज ऑल आर ग्रीन, देयर स्टीम्स आर ग्रीन, सो इट्स हर्ब्स. सेकेंड इज श्रब्स. अ श्रब इज अ वुडी प्लांट विच इज स्मॉलर देन अ ट्री. यहाँ पर हम देख सकते हैं श्रब एक वुडी प्लांट है जो स्मॉलर होता है, ट्री से छोटा होता है, बट टॉलर देन अ हर्ब, मगर हर्ब से बड़ा होता है. इट हैज सेवरल ब्रांचेस अराइजिंग नियर द ग्राउंड गिविंग इट बुशी लुक. और इसमें सेवरल ब्रांचेस पाई जाती हैं जो ग्राउंड के पास में होती है और बुशी लुक देती हैं. द स्टीम्स आर हार्ड एंड वुडी. और जो उसकी स्टीम्स होती हैं, जो उसकी लकड़ियाँ होती हैं, जो नीचे से उसकी वो होती हैं लकड़ियाँ टाइप, दैट इज वुडी, वो वुडी टाइप होती हैं. एग्जाम्पल हिना, रोज एंड हेबिकस. जैसे हिना, रोज और हेबिकस का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है. कम टू द नेक्स्ट. ट्रीज. ट्रीज आर द टॉलेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लांट दैट दे हैव अ थिक वुडी स्टीम कॉल्ड ट्रंक. ट्री सबसे टॉलेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट प्लांट होता है, प्लांट्स में होता है, और उसकी जो स्टीम होती है वो वुडी और थिक होती है. द
दैट इज कॉल्ड एज, और उसको हम ट्रंक भी कहते हैं. दे हैव मेनी ब्रांचेस विच कम्स आउट फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द ट्रंक. और ट्री में से बहुत सी ब्रांचेस होती हैं जो ऊपर के पार्ट में, ट्री के ऊपर के पार्ट में, ट्रंक के पाई जाती हैं. एग्जाम्पल, कोकोनट, मैंगो, बनियन एंड नीम. जैसे कोकोनट, नारियल, मैंगो, आम, बनियन एंड नीम. कम टू द नेक्स्ट, क्लिम्बर. क्लिम्बर हैव वेरी वीक एंड सॉफ्ट स्टीम. दे कैन नॉट स्टैंड ऑन देयर ओन एंड नीड अदर प्लांट और वॉल्स एज सपोर्ट टू ग्रो. क्लिम्बर ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको किसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है. वो बहुत ही वीक और सॉफ्ट होते हैं. जैसे हम देख सकते हैं अपने या दूसरे घर में मनी प्लांट हम देख सकते हैं, उसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है. वो बहुत ही वीक होता है जब तक उसको कोई प्रॉपर सपोर्ट ना दो, या तो वो प्लांट का सपोर्ट दो या तो किसी लकड़ी का सपोर्ट दो. जब तक हम सपोर्ट नहीं देते हैं तब तक वो प्रॉपर ग्रो नहीं कर पाता है. दे कैन नॉट स्टैंड ऑन देयर ओन. वो खुद से खड़ा नहीं हो पाता है. एंड दे नीड अदर प्लांट एज सपोर्ट टू ग्रो. और उनसे ग्रो होने के लिए अदर प्लांट के सपोर्ट की ज़रूरत होती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, ग्रेप वाइन एंड मनी प्लांट. जैसे हम ग्रेप वाइन के प्लांट को देख सकते हैं और मनी प्लांट को देख सकते हैं. क्रीपर्स. क्रीपर्स आर प्लांट्स विथ वीक स्टीम. क्रीपर्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी स्टीम्स वीक होती हैं. दे कैन नॉट स्टैंड ऑन देयर ओन इवन विद द सपोर्ट ऑफ अदर प्लांट. ना ही वो खुद से खड़े हो सकते हैं और ना ही किसी अदर प्लांट के सपोर्ट में खड़े हो सकते हैं. एज दे हैव लार्ज एंड हैवी फ्रूट्स. और क्योंकि उन लोग के पास लार्ज और हैवी फ्रूट्स होते हैं, इस वजह से वो लोग खड़े नहीं हो पाते हैं, ना ही अपने सपोर्ट में, ना ही अगले प्लांट के सपोर्ट में. दे क्रीप अलोंग द ग्राउंड. इसलिए वो ग्राउंड में ही उगते हैं. फॉर एग्जाम्पल, पम्पकिन एंड वाटरमेलन. जैसे हम देख सकते हैं खरबूजे का एग्जाम्पल ले लीजिए, वाटरमेलन एंड पम्पकिन. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्विक क्विज. फर्स्ट ए, बी एंड सी. ए इज नेम टू हर्ब्स. टू हर्ब्स के बारे में आपको बताना है यहाँ पे. फर्स्ट इज मिंट, MINT मिंट. सेकेंड इज CARROT कैरेट. बी, नेम टू शब्स. आंसर इज HENNA हिना. सेकेंड इज ROSE रोज. सी, नेम टू ट्रीज. NEEM नीम, MANGO मैंगो. सेकेंड, नेम अ वीक प्लांट दैट क्राउल्स अलोंग द ग्राउंड. आंसर इज क्रीपर्स. CREEPERS क्रीपर्स. नेक्स्ट, प्लांट पार्ट्स यूज्ड एज फूड. जो प्लांट्स के पार्ट होते हैं हम लोग फूड में कैसे यूज करते हैं, लेट्स सी. ऑल लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर फूड. हम सारे लिविंग बींग्स प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, चाहे वो हम डायरेक्टली डिपेंडेंट हो चाहे इनडायरेक्टली डिपेंडेंट हो. कैसे? वी गेट फूड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स. हम लोग फूड पाते हैं अलग अलग प्लांट्स की मदद से. जैसे रूट्स. सम प्लांट्स स्टोर एक्सेस फूड प्रिपेयर्ड बाय देम इन देयर रूट्स. प्लांट्स लाइक रेडिश, कैरेट, टर्निप एंड बीट रूट स्टोर फूड इन देयर रूट्स एंड बिकम फ्लैशी. वी ईट दीज प्लांट्स एज फूड. हम कुछ प्लांट्स को ऐसे देखते हैं जो रूट्स में ही पाए जाते हैं, वहीं पर उगते भी हैं सॉइल में ही. और जैसे हम देख सकते हैं गाजर, मूली और चकुंदर, हम ये सब चीज़ें देख सकते हैं जो ग्राउंड में ही उगते हैं रूट्स में. नाउ कम टू द नेक्स्ट, स्टीम्स. प्लांट्स लाइक पोटैटो, शुगर केन एंड जिंजर स्टोर इन देयर स्टीम्स. जैसे कुछ प्लांट्स के बारे में हम एग्जांपल ले लेते हैं, चाहे वो पोटैटो हो, आलू हो, या शुगर केन हो, गन्ना हो, या जिंजर हो, अदरक हो. हम इन प्लांट्स को देख सकते हैं कि ये लोग कहाँ ग्रो होते हैं, इनके स्टीम्स में
ओके इनकी इनकी लकड़ियों के साथ, इनका जो ग्राउंड रूट के साथ जब वो ऊपर का एरिया जो होता है थोड़ा सा ग्रो होता है ग्राउंड के अपर एरिया, दैट इज स्टीम, और स्टीम के साथ ये लोग ग्रो करते हैं. लीव्स, लीव्स ऑफ प्लांट्स लाइक स्पिनच, लेक्टस एंड कैबेज स्टोर फूड्स. हम कुछ लीव्स के बारे में देख सकते हैं, जैसे कि स्पिनच, लेक्टर एंड कैबेज के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, जो फूड को स्टोर करता है अपने अंदर. फ्लावर्स, सम प्लांट्स स्टोर फूड इन देयर फ्लावर्स. कुछ हम देख सकते हैं कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो स्टोर करते हैं फूड को अपने फ्लावर्स के अंदर, जैसे कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकली. ब्रोकली आर फ्लावर्स दैट आर ईटन एज वेजिटेबल्स. हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो अपने फूड्स को अपने अंदर स्टोर करते हैं, जैसे कि ब्रोकली, ब्रोकली के बारे में हम देख सकते हैं, और कॉलीफ्लावर के बारे में हम देख सकते हैं. गोभी, गोभी हम देख सकते हैं कि बाहर बाहर उसके फूल लगे हुए होते हैं और अंदर से गोभी होती है जो प्रोटेक्ट करती है फूड को. देन फ्रूट्स, फ्रूट्स आर द जूसी एंड डिलीशियस फूड प्रोवाइडेड बाय मोस्ट प्लांट्स. हम यहाँ पर देख सकते हैं फूड्स जो होते हैं बहुत ही जूसी और डिलीशियस होते हैं जो हमें प्लांट्स के थ्रू मिलते हैं. वी ईट मैनी फ्रूट्स लाइक मैंगो, गुआवा, ऑरेंज, पियर एंड मेलन. हम लोग बहुत तरीके के फ्रूट्स खाते हैं, जैसे कि मैंगो हम खाते हैं, गुआवा खाते हैं, मेलन खाते हैं और एप्पल खाते हैं. बहुत सी चीज़ें हम खाते हैं, जैसे कि ऑरेंज भी खाते हैं. ओके, दैट आर वेरी जूसी एंड डिलीशियस एंड वी आर गेटिंग इट फ्रॉम द plants. Come to the next page now. Seeds, carols like rice, wheat, maize, barley and pulses like lentil, gram, chicken pea are the seeds of plants that we eat. हम लोग देख सकते हैं कि कुछ ऐसे seeds होते हैं जैसे कि rice, maize, हमने अभी अभी जो पढ़ा, जैसे कि pulses, ये सब जो होते हैं ये सब seeds होते हैं कुछ जो हम लोग खाते हैं. हम लोग एज ए ड्राई फ्रूट्स ये सब चीज़ें खाते हैं. ऑलमंड्स, वॉलनट एंड कैश्यू आर ऑल्सो सीड्स. हम लोग कुछ ड्राई फ्रूट्स के तौर पे खाते हैं और कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जो हम लोग पकाने के लिए खाते हैं. ओके, जैसे कि व्हीट और राइस हम लोग पका कर खाते हैं, गेहूं और चावल हम लोग पका कर खाते हैं, एंड पीज. सम अदर प्रोडक्ट्स, प्लांट प्रोडक्ट्स. हम लोग अब देखेंगे प्लांट प्रोडक्ट्स के बारे में, प्लांट्स के हम लोग प्लांट्स के थ्रू हम लोग क्या क्या बनाते हैं. प्लांट्स नॉट ओनली प्रोवाइड अस विथ फूड बट ऑल्सो आर मैनी अदर थिंग्स दैट वी कैन गेट फ्रॉम द प्लांट लाइक ऑयल, मेडिसिन, स्पाइसेस, रबर वुड एंड फाइबर. हम लोग प्लांट्स से सिर्फ खाना ही नहीं खाते हैं, सिर्फ फूड ही प्रोवाइड हमें नहीं होता है, बल्कि हमें प्लांट से ऑयल भी प्रोवाइड होता है, मेडिसिन प्रोवाइड होती हैं और स्पाइसेस प्रोवाइड होते हैं. हम लोग तीखा खाना पसंद करते हैं तो हमें मिर्ची प्रोवाइड होती है स्पाइसी के लिए, और रबर्स प्रोवाइड होते हैं, वुड प्रोवाइड होता है एंड फाइबर्स भी प्रोवाइड होते हैं. ऑयल, पहला हम देखेंगे ऑयल. द ऑयल ऑफ मैनी प्लांट्स आर यूज टू मेक ऑयल. फॉर एग्जाम्पल, ऑयल जो होता है मैनी प्लांट्स का, बहुत से प्लांट्स का होता है जिससे हम लोग ऑयल बना सकते हैं. जैसे हम देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल, वी गेट ऑयल फ्रॉम द सीड ऑफ मस्टर्ड. हम लोग ऑयल पाते हैं मस्टर्ड के सीड से. एंड सीसम, सोयाबीन, कोकोनट, सनफ्लावर एंड फ्लैक्स सीड सीड्स. हम लोग देख सकते हैं कि इन सब चीज़ों से हम ऑयल, हमें ऑयल मिलता है और मार्केट में बिकता भी है. हम उसे यूज़ भी करते हैं पर्सनली, होममेड बना के या मार्केट का यूज़ करके. Now come to the spices. Spices are used to give a flavor to the food. हम जब खाना बनाते हैं तो spices का use करते हैं, spicy चीज़ों का use करते हैं ताकि हम food को flavor दे सकें और उसे चटपटा बना सकें. Different parts of plants are used as spices. को बहुत से plants के जो parts होते हैं वो spices की तरह हम use कर सकते हैं, जैसे steam, जैसे हमने turmeric और ginger use करते हैं spices बनाने के लिए. लीव्स सच एज कोरियंडर एंड फेनिग्रिक, जैसे मेथी हम और कोरियंडर, जैसे हम धनिया का पत्ता और मेथी हम लोग यूज़ करते हैं स्पाइसी देने के लिए, स्पाइसी बनाने के लिए खाना.
फ्लावर्स में हम लोग क्लोव्स का यूज़ करते हैं, लौंग का यूज़ करते हैं अपने खाने को स्पाइसी बनाने के लिए। फ्रूट्स में हम लोग चिली का यूज़ करते हैं ताकि हमारा खाना स्पाइसी बन सके। सीड्स में हम कुकमिन या कार्डमिन का यूज़ करते हैं ताकि हम अपने खाने को स्पाइसी बना सके। एंड बार्क में हम लोग सिनेमन का यूज़ करते हैं ताकि अपने खाने को स्पाइसी बना सके। अपार्ट फ्रॉम दीज देर आर मेनी मोर स्पाइसेस दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। इन सब के अलावा भी हम बहुत से स्पाइसेस पाते हैं प्लांट्स के थ्रू, जैसे फेनल, जिंजर, मस्टर्ड एंड ब्लैक पेपर। जैसे हम लोग ने ये सब एग्जाम्पल्स पढ़े, फेनल, जिंजर, मस्टर्ड एंड ब्लैक पेपर। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। नाउ मेडिसिंस। सिंस लॉन्ग अगो प्लांट्स हैव बीन यूज्ड मेडिकल पर्पसेस। हम लोग बहुत टाइम से देख सकते हैं कि चाहे वो पुराना ज़माना हो, आचार्य के टाइम का हो, चाहे वो अभी मॉडर्न ज़माना हो, हम लोग जो मेडिसिंस मोस्टली जो बनती हैं वो प्लांट्स के थ्रू बनती हैं। लीव्स ऑफ तुलसी एंड नीम स्टीम ऑफ टर्मरिक। हम लोग देख सकते हैं कि तुलसी मेडिसिंस के काम आती है, नीम मेडिसिंस के काम आती है, यहाँ तक कि जो स्टीम होती है वो भी मेडिसिन के काम आती है ऑफ टर्मरिक। जिंजर, एलोवेरा, क्लोव्स एंड सीसम सीड्स कुछ ऐसे हैं, जैसे अदरक हो गया, एलोवेरा हो गया, लौंग हो गया, या सीसम टाइप की सीड्स हो गई, वो भी हमें मेडिसिंस के लिए यूजफुल होती हैं। मोस्ट ऑफ द मेडिसिंस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेरियस हर्ब्स। हम लोग ज़्यादातर मेडिसिन अलग अलग हर्ब्स के थ्रू भी पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं नीम एंड चिंचौना, देन तुलसी एंड क्लोव्स। यू कैन सी द पिक्चर्स ऑल्सो। नाउ सम अदर यूजेज ऑफ प्लांट्स, हम लोग कुछ और यूजेज ऑफ प्लांट्स देखेंगे। फर्स्ट इज ऑलमंड एंड पिस्ताचियो, कैस्टियो, नट्स आर ईटन एज नट्स। हम लोग ये सब चीज़ें एज नट्स के थ्रू खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स के तौर पे खाते हैं। रोप्स एंड मट्स आर मेड फ्रॉम द फाइबर ऑफ जूट। हम लोग रोप्स और मट्स जो खाते हैं वो फाइबर ऑफ जूट या कॉटन के थ्रू बनता है। शुगर इज मेड फ्रॉम शुगर केन। शुगर केन के थ्रू, गन्ने के थ्रू हमें शुगर मिलता है। टी एंड कॉफ़ी आर पॉपुलर बेवरेज वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। हमें टी और कॉफ़ी भी हमें प्लांट्स के थ्रू मिलती है। रबर इज मेड फ्रॉम द जूस ऑफ रबर प्लांट। हमें रबर जो होता है वो रबर प्लांट के जूस के थ्रू मिलता है। परफ्यूम इज मेड फ्रॉम द प्लांट लाइक जैस्मिन, ट्यूबरोज। हमें देख सकते हैं जो परफ्यूम होता है हमें प्लांट्स के थ्रू मिलता है, जैसे कि जैस्मिन और ट्यूबरोज के बारे में बात हुई है यहाँ पे। कॉटन एंड जूट आर यूज टू मेक क्लोथ्स। हम देख सकते हैं कि जो कॉटन के प्लांट्स होते हैं और जूट के प्लांट्स होते हैं वो यूज होते हैं क्लोथ्स बनाने में। फ्रूट्स आर यूज टू मेक जैम, पिकल्स एंड जूसेस। हम यहाँ पर देख सकते हैं जो फ्रूट्स होते हैं वो हमें जैम बनाने के काम आते हैं, पिकल्स बनाने के काम आते हैं और जूसेस बनाने के काम आते हैं, पिकल्स जैसे अचार। नाउ कम लेट्स सी द रिकैप। प्लांट्स आर द मेन सोर्सेज ऑफ फूड ऑन द अर्थ। वी ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स विच स्टोर फूड। प्लांट अपार्ट फ्रॉम फूड प्लांट्स गिव अस ऑयल, स्पाइसेस, मेडिसिंस, फाइबर्स एंड फ्रूट्स। फोर्थ पॉइंट इज प्लांट्स ऑल्सो गिव अस शुगर, रबर, रोप एंड परफ्यूम्स। फिफ्थ इज वी ऑल्सो गेट टी एंड कॉफी फ्रॉम द प्लांट। कम टू द नेक्स्ट पेज। नाउ वी विल सी सम वर्ड मीनिंग ओवर हियर एज की वर्ड्स। फर्स्ट इज हर्ब्स, स्मॉल प्लांट्स सॉफ्ट विथ सॉफ्ट ग्रीन स्टीम, श्रब्स, वुडी प्लांट्स शॉर्टर देन ट्री and having many branches, trees, tall and woody plant that have very thick and hard stem called the trunk, climbers, plant that cannot stand on their own, need support to grow, creepers, plants with weak stem and creep along the ground. Now come to the next exercise number A. Take the correct answer. First is an example of climber is mango, aloe vera, hibiscus, money plant. Mark it
Option number D, money plant. Second is, most of the medicines are produced from market, herbs, shrub, climber and tree. Market option number A, herbs. Third, hibiscus. Hibiscus is the example of tree, shrub, herb and climber. Market shrub. Fourth, dash is a stem that we eat. Potato, carrot, cabbage, rice. Market potato. Fifth, we get oil from banana, coconut, orange, grapes. Market option number B, coconut. Come to the next. Exercise number B, fill in the blanks. First is, we eat the roots of dash plant. Market radish, R-A-D-I-S-H, radish. Second is, ropes are made from dash. Market F-I-B-R-E, fiber. O-F of J-U-T-E, jute, full stop. Third is, rose is an example of a shrub. Market shrub, S-H-R-U-B, shrub, full stop. Fourth is, sugar is made from dash. Write it down, sugar cane, S-U-G-A-R-C-A-N-E, sugar cane, full stop. Come to the fifth one, rubber is made from juice of rubber plant. Market J-U-I-C-E, juice. O-F of R-U-B-B-E-R, rubber. P-L-A-N-T, plant, full stop. Come to the next. Exercise number C, match the following, column number A and B. First is carols. Market option number E, wheat, maize. Second is medicine. Market option number C, tulsi, neem. Third is pulses. Market option number D, moong, chana. Fourth is oil. Market option number B, mustard, sunflower. Fifth is fruit. Market option number A, tomato, apple. Come to the exercise number D now. Give two examples of each. First is climber. Market money plant, grapevine. M-O-N-E-Y, money. P-L-A-N-T, plant. Money plant, comma, G-R-A-P-E, grape. V-I-N-E, wine, grapevine. Second is shrubs. Market rose and hibiscus. R-O-S-E, rose, comma, H-I-B-I-S-C-U-S. Third is medicinal plants. Neem and tulsi. Market N-E-E-M, neem, comma, T-U-L-S-I, tulsi. Fourth is edible roots. Market S-W-E-E-T, sweet, P-O-T-A-T-O, potato, sweet potato, comma, beetroot, B-E-E-T-R-O-O-T, beetroot. Come to the fifth one, nuts. Market almond and walnuts, write it down, A-L-M-O-N-D, almond, comma, walnuts, W-A-L-N-U-T-S, walnuts. Come to the exercise number E, short answer questions. Question is, give two examples of herbs. Answer is, the two examples of herbs are mint and coriander leaves. Write it down, M-I-N-T, mint, A-N-D, and C-O-R-I-A-N-D-E-R, coriander, leaves, L-E-A-V-E-S, leaves, full stop. Second is,
Give two examples of spices that we get from plants. And why do we add spices in our food? Answer is, the two examples of spices that we get from plants are, come to page number 72, market coriander and fenugreek, such as methi, bracket me. Then after that, you have to write, this is the first part. And then second part is, spices are used to give flavor to the food. Now come to the next question. Question number E3. Name three plants that gives us oil. Answer is, the three plants that give us oil are, write down R, mustard, mustard, comma, c-o-c-o-n-u-t, coconut, comma, and soyabean, s-o-y-a-b-e-a-n, soyabean, full stop. Now, question number E4. What is the difference between climber and creeper? Answer is, from the question market, the difference between climber and creeper are, come to page number 70. Market over here. Climber and creeper heading, you can see. Market. Climber. Climber have very weak and soft stem. They cannot stand on their own and need other plants to walk as support to grow. Now come to the creeper. Creeper are plants with weak stems that cannot stand on their own even with the support of other plants. As they have large and heavy fruits, they creep along the ground. Now come to the next question. Next question is, what are pulses? Give examples. Answer is, pulses are the dry edible seeds of certain plant which we eat, like grams and chicken peas. Spelling is P-U-L-S-E-S, pulses, A-R-E-R-T-H-E, the, D-R-Y, dry, E-A-T, A-B-L-E, eatable, S-E-E-D, seeds, O-F, of, C-E-R-T-A-I-N, certain, P-L-A-N-T, plant, W-H-I-C-H, which, W-E-V-E-A-T, eat, L-I-K-E, like, G-R-A-M, grams, S laga dijiye, and, A-N-D, and, C-H-I-C-K-P-E-A-S, chick, peas. Now come to the question number F, long answer questions. Question number F1 is, how are plants useful to us? Write the answer. I am dictating it. Write down. All living beings depend on plants directly or indirectly are as follows. First is for root. Subpoint is roots. Some plants store excess food prepared by them in their roots. For example, radish, beetroot, carrot. Second is, inside subpoint is, leaves. Leaves of plant like spinach, lettuce and cabbage store foods. For example, spinach, curry leaves and cabbage. Ye sab points, ye dono points, for foods ke andar hain. Third sub point is, some plants store food in their flowers. Cauliflower and broccoli are the flowers that are eaten as vegetables. For example, broccoli and cauliflower. Fourth is fruits. Fruits are the juicy and delicious food provided by the most plant, for example, banana and apple. Ye sab hum jo likha hai abhi tak, ye sab for foods ke andar hai. Now, second is for plant products.
प्लांट प्रोडक्ट्स में हम देखेंगे सब पॉइंट्स. सब पॉइंट्स आर थ्री सब पॉइंट्स आर देयर. फर्स्ट इज ऑयल. द सीड्स ऑफ मेनी प्लांट्स आर यूज टू मेक ऑयल. फॉर एग्जाम्पल मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल एक्सेट्रा. सेकेंड इज स्पाइसेस. स्पाइसेस आर यूज टू गिव अ फ्लेवर टू द फूड. फॉर एग्जाम्पल चिली, टर्मरिक एक्सेट्रा. थर्ड इज मेडिसिंस. दिस प्लांट हैव बीन यूज फॉर मेडिकल purposes. Therefore, most of the medicines are obtained from various herbs. For example, neem, tulsi, etc. Come to the question number 2. Question number 2 is compare herbs, shrub and tree. Come to page number 69. Mark it. Herbs, shrub and tree, you can see it. Mark it from herbs till neem. I am reading it for you. Herbs. Plant which are small and have soft green stem are called herbs. For example, grass, mint, carrot, spinach and coriander. Shrubs. A shrub is a woody plant which is smaller than a tree but taller than a herb. It has several branches arising near the ground giving it is a bushy look. The stem are hard and woody. For example, henna, rose and hibiscus. And the third, tree. Tree are the tallest and the strongest plant. They have a thick woody stem called trunk. They have many branches which come out from the upper part of the trunk. For example, coconut, mango, banyan and neem. Come to the next question now. Question number F3. Describe the role of plants as medicines. Come to page number 73. Before that, mark it from the question. The role of plants as medicines are. Come to page number 73. Mark it. Are used for the medicinal purposes. Leaves of tulsi and neem, steam of turmeric, ginger, aloe vera, cloves and sesam seeds are used as medicines. Most of the medicines are obtained from various herbs. Now come to the answer number, question number F4. Question number F4 is, write about any two parts of the plant that we use as food. For give examples. Answer is, the two parts of plants that we use as food are. Come to page number 70 and 72. You can see the heading over here. Roots. Some plants store excess food prepared by them in their roots. Plants like radish, carrot, turnip and beetroot store food in their roots and become fleshy. We eat these plants as food, such as beetroot and carrot. Come to the page number 72, F4 part 2. Seeds. Second point is seeds. Kernel like rice, wheat, maize, barley and pulses like lentil, grams, chickpeas are seeds of plants that we eat. Almonds, walnut and cashew are also seeds of plants. They are known as dry fruits, such as wheat and pea. Come to the next. That's all. Thank you, class.